किसमें बैठ समझाते हैं? इन होम डज ही सिट एंड एक्सप्लेन? ब्रह्मा में बैठ समझाते हैं। ही सिट्स इन ब्रह्मा एंड एक्सप्लेन्स। ये सुनाते हैं। और डज ही नरेट? स्टूडेंट्स, ही नरेट्स। ब्रह्मा में बैठ सुनाते हैं। ही सिट्स इन ब्रह्मा एंड नरेट्स। और बाप किसमें बैठ समझाते हैं? एंड इन होम डज द फादर सिट एंड एक्सप्लेन? प्रजापिता ब्रह्मा में बैठ समझाते हैं। ही सिट्स इन प्रजापिता ब्रह्मा एंड एक्सप्लेन्स। अक्सर करके मनुष्य शांति को बहुत पसंद करते हैं। यूजुअली पीपल लाइक पीस वेरी मच। अगर कोई घर में खिचपिच होती है तो अशांति रहती है। इफ देर इज अ क्वारल इन एनी होम देर इज रेस्टलेसनेस। अशांत होने से दुख भासता है। वी एक्सपीरियंस सोरो फ्रॉम बीइंग रेस्टलेस। शांति से सुख भासता है। फ्रॉम पीस वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो तो तुमको सच्ची शांति है। यू चिल्ड्रन हैव रियल पीस व्हेन यू आर सिटिंग हियर। तुमको कहा गया है कि बाप को याद करो। यू हैव बीन टोल्ड रिमेम्बर द फादर। और अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। एंड कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ सोल पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है। द रेस्टलेसनेस विच इज इन द सोल फॉर हाफ अ साइकिल। वो आत्म की स्थिति में रहने से निकल जाएगी। विल लीव बाय रिमेनिंग इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। शांति के सागर बाप को याद करने पर तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है। By remembering the father, the ocean of peace, you are receiving the inheritance of peace. ये भी तुम जानते हो कि शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया अलग अलग है। You also know this, that the world of peace and the world of restlessness are separate. आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया। The devilish world, the godly world. सत्ययुग और कलयुग किनको कहा जाता है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। नो ह्यूमन बींग नोज वॉट इज कॉल्ड द गोल्डन एज एंड वॉट इज कॉल्ड द आयरन एज। नहीं जानते हैं तो जानवर बुद्धि ठहरे। दे डोंट नो सो इट प्रूव्स दैट दे हैव एनिमल लाइक इंटेलेक्ट्स। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। यू विल से वी डिडंट नो ईदर। दुनिया में जो पैसे वाले होते हैं उनको पोजीशन वाला कहा जाता है। दोज इन द वर्ल्ड हु हैव मनी आर कॉल्ड द वंस विद अ पोजीशन। गरीब और साहूकार समझ सकते हैं ना। यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर पुअर एंड रिच पीपल कांट यू। वैसे ही तुम ये समझ सकते हो कि ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद है। इन द सेम वे You can understand that there is the godly progeny and the devilish progeny. अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम तो ईश्वरीय संतान हैं। Now, you sweet children understand, we are the godly children. ये तो पक्का निश्चय है ना? You have firm faith about it, haven't you? जानते हो कि आसुरी संप्रदाय अथवा औलाद किसको कहा जाता है? You know. Who is called the devilish community or the devilish offspring? ये बात सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो। Only you Brahmin children understand this aspect. परंतु कभी कभी समझते हुए भी भूल जाते हो। But sometimes, despite understanding, you forget. तुम ब्राह्मण समझ सकते हो कि हम ब्राह्मण और ईश्वरीय संतान हैं। You Brahmins can understand that you are Brahmins and the godly offspring. तो हर समय वो खुशी रहनी चाहिए। सो वी शुड हैव दिस हैप्पीनेस ऑल द टाइम। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। देर आर वेरी फ्यू हु अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। द कम्युनिटी ऑफ द डेइटीज एग्जिस्ट इन द गोल्डन एज। उनको ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे। इट वॉन्ट बी कॉल्ड द गॉडली कम्युनिटी। यहाँ संगम में होते हैं ईश्वरीय संप्रदाय। The godly community is present here in the confluence age.
और कलयुग में है आसुरी संप्रदाय एंड द डेविलिश कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन द आयरन एज पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है इन द एलिवेटेड दैट इज पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज द डेविलिश कम्युनिटी चेंजेस क्योंकि अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं बिकॉज नाउ वी हैव बिकम द प्रोजेनी ऑफ शिव बाबा बीच में भूल गए थे इन बिटवीन वी हैड फॉरगॉटन अभी फिर इस समय बन जाना है कि हम शिव बाबा की संतान है नाउ अगेन वी हैव कम टू नो दैट वी आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ शिव बाबा वहाँ सत्युग में होते हैं तो अपन को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते हैं When we are there in the golden age, we don't call ourselves the godly progeny. There is the divine progeny over there. Before that, we were the devilish progeny. Now we have become the godly progeny. We Brahmins are Brahma Kumar and Kumari. एक बाप की रचना है वी आर द क्रिएशन ऑफ वन फादर तुम सब भाई बहने हो और ईश्वरीय औलाद हो ऑल ऑफ यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड यू आर द गॉडली प्रोजेनी तुम जानते हो कि हमको बाबा से राज्य मिल रहा है यू नो वी आर रिसीविंग द किंगडम फ्रॉम बाबा कलयुग है दुखदम द आयरन एज इज द अबोर्ड ऑफ सोरो तुम संगम की ब्राह्मण ये बात जानते हो यू द ब्राह्मण्स ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज नो दिस कलयुग के घर में कलयुग की दुनिया में वी आर इन द आयरन एज हाउस इन द आयरन एज वर्ल्ड एक ही घर में बाप कलयुगी और बच्चा सतयुगी बन रहा है इन द सेम हाउस द फादर इज इन द आयरन एज एंड द चाइल्ड इज बिकमिंग अ चाइल्ड ऑफ द गोल्डन एज क्योंकि ईश्वरीय औलाद बना है बिकॉज ही दैट इज द चाइल्ड has become the godly offspring. Well, the supreme soul is the father of all of us souls. You know this also that Baba establishes paradise. He is the creator, Rachaita. He is certainly not the creator of hell. So who won't remember him? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो यू स्वीट चिल्ड्रन नो बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं दैट द फादर इज एस्टैब्लिशिंग पैराडाइज नाउ कैसे हाउ स्वस्थिति से स्वर्ग की स्थापना द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैराडाइज टेक्स प्लेस थ्रू द स्टेज ऑफ द सेल्फ और नरक की स्थापना कैसे होती है And how does the establishment of hell take place? Devan, nar mein hota hai Devan. Through body consciousness. There is body consciousness in a man, nar. So, narak banata hai. So he creates hell. So, swarg sthapan karne wala baap swai sthiti mein sada rehne wala hai. So the father who establishes paradise is the one who is always in the stage of the self. वो हमारा बहुत मीठा बाप है. He is our very sweet father. हम कोई किस जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं. He makes us the residents of paradise for 21 births. इससे जास्ती मीठी वस्तु कोई होती नहीं है. There isn't anything sweeter than this. तो ये समझ रखनी चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं. So we should have this understanding that we are the godly progeny. हमारे में कोई ऐसा आसुरी नहीं होना चाहिए देर शुडंट बी एनी डेविलिश बैड ट्रेट्स इन अस अपनी उन्नति करनी है वी हैव टू प्रोग्रेस क्योंकि समय बाकी थोड़ा है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए बिकॉज देर इज लिटिल टाइम लेफ्ट एंड वी शुडंट मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम भूल नहीं जाना है वी शुड नॉट फॉरगेट द फादर ये भी देखते हो कि बाप सन्मुख बैठा है जिनकी हम औलाद हैं यू ऑल्सो सी दैट सिटिंग फेस टू फेस विद अस इज द फादर हुज प्रोजेनी वी आर हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग थ्रू गॉड द फादर दैवी औलाद बनने के लिए टू बिकम द डिवाइन प्रोजेनी तो कितनी खुशी होनी चाहिए सो वी शुड बी सो हैप्पी आधा समय हम आसुरी संप्रदाय रहे बहुत दुख उठाए फॉर हाफ द टाइम We were of the devilish community. We experienced a lot of sorrow. Vishay Sagar mein gota khaya. We drowned in the ocean of vices. Zeher piya. We drank poison.
जहर पीने से दुख होता है. Sorrow arises from drinking poison. अमृत पीने से सुख होता है. Happiness arises from drinking nectar. अभी तुम जानते हो कि हम तो ईश्वरीय औलाद है. Now you know that we are the godly progeny. ईश्वर बाप आया है बच्चों को ले जाने के लिए. God the father has come to take the children. बाबा सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकल विनाश हो जाएंगे. बाबा just says this, remember me, then the sinful actions will be destroyed. बाबा आया ये सबको ले जाने के लिए. The father has come precisely to take all of us. जितना याद करेंगे उतने विकल विनाश होंगे. The more you remember, the more your sinful actions will be destroyed. तो देखो बाप को ऐसे याद करो. So look, remember the father. जैसे कि कन्या की सगाई होती है. Like when a young woman's engagement takes place. तो जैसे याद बिल्कुल कन्या के दिल में छप जाती है. And it is as if the remembrance becomes imprinted in the young woman's heart. फिर बच्चा पैदा होता है. Later, when a child is born, तो बच्चे की याद दिल में छप जाती है. The remembrance of the child is imprinted in the heart. याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है. The remembrance is also imprinted in paradise. नरक में भी छप जाती है. It is imprinted in hell too. बच्चा कहेगा कि हमारा बाप है. The child will say that he is our father. परंतु अभी तो ये बेहद का बाप है. But now, this is the unlimited father. जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है. From whom the inheritance of paradise is received. उनकी याद छप जानी चाहिए. So his remembrance should be imprinted. जैसे ज्ञान काल में याद छप जाती है अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करना है. Just like at the time of ignorance, remembrance is imprinted, we have to consider ourselves to be a soul and remember the father. बाबा से हम भविष्य की जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं. We are taking the inheritance of the future 21 births once again from Baba. 1866 ki vani ka dusra page. Second page of the vani dated 18th June 1967. Buddhi mein barsa yaad hai. The intellect remembers the inheritance. Ye bhi jante ho ki marna to sabko hi hai. You also know that everyone has to die. Ek bhi bachne wala nahi hai. Not even one will be saved. जो जीते जी नहीं मरेंगे. दोस हु वोंट डाई अ लाइफ. तो शरीर से मरना पड़ेगा. देन दे विल हैव टू डाई अलोंग विद द बॉडी. सब चले जा रहे. एवरी वन विल गो अवे. ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो. ओनली यू ब्राह्मण्स नो दिस. ये पुरानी दुनिया गई कि गई. दिस ओल्ड वर्ल्ड इज एज गुड एज गॉन. परंतु इस दुनिया के जाने के पहले हमको पूरा पुरुषार्थ करना है. हाउएवर बिफोर दिस वर्ल्ड एंड्स वी हैव टू डू फुल पुरुषार्थ. दैट इज स्पेशल एफर्ट फॉर द सोल. जबकि हम ईश्वरीय औलाद हैं. सिंस वी आर द गॉडली प्रोजेनी तो अथाह खुशी होनी चाहिए. वी शुड बी इन्फिनिटली हैप्पी. बाप कहते हैं कि बच्चे अपनी खातिर अपना जीवन तो हीरे जैसा बना लो. द फादर सेज चाइल्ड मेक योर लाइफ लाइक अ डायमंड फॉर योर ओन सेक. वो है डीटी वर्ल्ड. दैट वन इज द डीटी वर्ल्ड. और ये है डेविल वर्ल्ड. एंड दिस वन इज द डेविल वर्ल्ड. सत्य में देखो कितना अथाह सुख रहता है. सी व्हाट इन्फिनिट हैप्पीनेस देयर इज इन द गोल्डन एज. और वो अथाह सुख बाप ही आकर के देते हैं. एंड द फादर हिमसेल्फ गिव्स दैट इन्फिनिट हैप्पीनेस व्हेन ही कम्स. यहाँ तुम बाप के पास आते हो. हियर यू कम टू द फादर. परंतु यहाँ तो नहीं बैठ जावे. बट यू सर्टेनली वोंट सिट एट दिस प्लेस. और ऐसे भी नहीं कि सब इकट्ठे ही रहेंगे. And it is not even the case that all will remain gathered. क्योंकि तुम तो बेहद के बच्चे हो. Because you are the unlimited children. वो आसुरी औलाद है. Those are the devilish progeny. वो पांच होंगे, पचास होंगे, साठ होंगे, सौ होंगे. They will be 5, 50, 60, and 100 in number. निजाम को 500 रानियां थी. निजाम had 500 queens. फिर बच्चे भी उनको इतने होंगे. Then he must also have had so many children. यहाँ तो तुम बहुत थोड़े आते हो. Here very few of you come. और बहुत ही उमंग से आते हो. And you come with great enthusiasm. सोचते हुए हम जाते हैं बेहद के बाप के पास. You think we go to our unlimited father. हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में जाने की चाहिए. We are the godly progeny, the children of God the father.
Then why shouldn't we go to paradise? God Father hai. Since He is God the Father, to zarur swarg ka rachayata hai. He is certainly the creator of paradise. Heavenly God Father kaha jata hai. He is called Heavenly God the Father. So, abhi tumhari buddhi mein world ki history geography hai. So now, you have the worldly history and geography in your intellect. जानते हो कि हेवनली गॉड फादर हमको वहाँ ले जाने के लायक बनाए रहे हैं. यू नो दैट हेवनली गॉड द फादर इज मेकिंग अस वर्दी ऑफ गोइंग देयर. कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं. ही टीचेस साइकिल आफ्टर 5000 इयर्स. और एक भी मनुष्य नहीं है जिनको ये पता हो कि हम एक्टर हैं. एंड नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग एग्जिस्ट हु वुड नो We are actors. और गॉड फादर के बच्चे हैं तो हम दुखी क्यों हैं? Moreover, we are the children of God the Father. So why are we sorrowful? दुखी हैं? If we are sorrowful, उससे क्या साबित होता है? What does it prove? कि हम अभी भी गॉड फादर के बच्चे नहीं बने हैं. That even now we haven't become the children of God the Father. आपस में लड़ते क्यों हैं? Why do we fight among ourselves? हम आत्माएं तो सब ब्रदर्स हैं. All of us souls are brothers. ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हैं. The Brahma Kumar Kumari are brother sister among themselves. फिर लड़ना झगड़ना क्यों होना चाहिए? Then why should there be fighting and quarreling? क्या मतलब अभी भी देवाना आता है? It means that even now the body consciousness arises. पक्के बच्चे नहीं बने. We haven't become real children. आत्मा मैली हो गई है ना? The soul has become dirty, hasn't it? लड़ाई का मैदान होता है तो मैले होते हैं. If there is a battlefield, they become dirty in it. फिर देखो एक दो में कैसे लड़ते हैं? Then see how they fight with each other. यानी लड़ाई लड़ने वालों के समान कोई खौफनाक होगा क्या? Will there be someone as fearsome as these who fight? सारे शहर पर बॉम्ब फटेंगे. Bombs will explode over the entire city. और खत्म हो जाएंगे. And they will be finished off. हम बच्चों में भी अगर कोई आपस में लड़ाई लड़ते हैं. If amongst us children as well, some fight amongst themselves, मनमुटाव करते हैं, develop aversion to each other, तो समझना चाहिए हम ईश्वरी औलाद हैं, या असुरी औलाद हैं? Then should it be considered that we are the godly progeny or the devilish progeny? उनको कहा जाता है असुर. They are called devils. इनको? Who? जो आपस में लड़ते हैं. Those who fight among themselves. राक्षस कहा जाता है. They are called demons. ब्रदर्स होकर आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? How do they keep fighting among themselves despite being brothers? लड़कर ही सारे खत्म हो जाएंगे. All will be finished just by fighting. यहाँ तो हम बाप से बरसा ले रहे हैं. Here we are taking the inheritance from the father. ब्रदर्स को आपस में कभी मूत पलीती नहीं बनना चाहिए. The brothers should never become impure, that is, polluted with urine of lust, mut paliti among themselves. Loon paani nahi hona chahiye. They should not quarrel like water and salt. Yahan par to dekho, baap se bhi loon paani hote rehte. Here, see, they get angry even with the father. Achhe achhe bacche bhi loon paani ho jate. Even good children get angry. उनके अगर नाम सुनावे, इफ देयर नेम्स आर मेंशनड, तो हैरान हो जाओ. यू विल बी सरप्राइज्ड. माया कितनी जबरदस्त है. माया इज सो फोर्सफुल. आपस के मनमटाव में आकर के बाप को कब पत्र भी नहीं लिखते. दे फील एवर्शन अमंग देमसेल्व्स एंड सो They never even write a letter to the father. तो समझता हूँ कि क्या हो गया बच्चे को. So I think, what happened to the child? क्या वो मर गया? Did he die? Maya te jeete jeet, Maya te hare haar. If you gain victory over Maya, you have won. If you have lost to Maya, you have lost. Maya te jeete jeet, Maya te hare haar. बाप खुद कहते हैं बच्चे दो अक्षर ही सही. The father himself says, children.
टू वर्ड्स आर इनफ. लेकिन बाप को पत्र लिखो तो सही. बट डू राइट अ लेटर टू द फादर. ऐसे भी बहुत है. देर आर मेनी लाइक दिस एज वेल. जो बिगर किसी के कहे बिगर पूछे ही एक दो को याद प्यार लिख देती. हु विदाउट टेलिंग एनीवन विदाउट आस्किंग एनीवन सेंड दैट इज राइट टू वन अनदर देयर रिमेम्बरेंस एंड लव. एक दो को याद प्यार लिखेंगे. They will write to one another their remembrance and love. पत्र लिखेंगे. They will write letters. बाप को नहीं लिख सकते. They can't write to the father. अरे बाप तो कहते हैं मेरे को पत्र लिखो. अरे the father says write letters to me. एक तुम एक दूसरे को पत्र लिखते हो और उसने तो कहा नहीं कि मेरे को पत्र लिखो. One sister writes a letter to another but she didn't say write a letter to me. ऐसे एक दो का नाम लिखने की टेव पड़ गई है. दे हैव फॉर्म्ड द हैबिट ऑफ सिंपली राइटिंग टू वन अनदर. तो लगाओ तो साबित हो जाता है. दस इट प्रूव्स दैट देयर इज अटैचमेंट. जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद पड़ते हैं. गुड चिल्ड्रन आर रिमेम्बर्ड बाय द फादर. बाप कितना लव करते हैं बच्चों से. द फादर लव्स द चिल्ड्रन सो मच. और बाप के पास तो सिवाय बच्चों के और कोई है भी नहीं जिनको याद करें. एंड द फादर डजंट हैव एनीवन एल्स हुम ही मे रिमेम्बर अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन. तुम्हारे लिए तो बहुत है. देर आर मेनी पीपल टू रिमेम्बर फॉर यू. तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है. योर इंटेलेक्ट गोज हियर एंड देर. धंधे आदि में बुद्धि जाती है. द इंटेलेक्ट गोज टूवर्ड्स द ऑक्यूपेशन एंड सो ऑन. और बाप को तो सिवाय बच्चों की और कोई धंधा नहीं है. एंड द फादर डजंट हैव एनी अदर ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट फॉर द चिल्ड्रन. तुम अनेक बच्चों के अनेक प्रकार के धंधे हैं. यू वेरियस चिल्ड्रन हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस. और बाप का तो एक ही धंधा है. एंड द फादर ही हैज ओनली वन ऑक्यूपेशन. हम तो आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए. आई हैव जस्ट कम टू मेक द चिल्ड्रन द इनहेरिटर्स ऑफ पैराडाइज. क्या बाप की पहचान बताई. What was mentioned as the characteristic of the father? पहचान बताई. जब ज्ञान का. क्या? Was a characteristic mentioned? What? सदैव ही दिमाग. सदैव. Students are saying something. बच्चों के अनेक प्रकार के धंधे हैं. The children have many types of occupations. और बाप का तो एक ही धंधा है. And the father has just one occupation. बच्चे अनेकों को याद करते हैं. नाना चाचा मामा काका ताऊ. The children remember many. The maternal grandfather, the paternal uncle, the maternal uncle, the father's elder brother. और बाप को बच्चों के सिवाय कोई दूसरा संबंध नहीं है. And the father has no other relationship apart from the children. तो हम तो आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए. So, I have come to make the children the heirs to paradise. ये भी बाप की पहचान का पॉइंट है. This is also a point for the recognition of the father. ये भी तुम बच्चे समझते हो. It is you children who understand this as well. वो गीता पढ़ने वाले तो कुछ भी नहीं समझते. Those who study that Gita don't understand anything. इनको बाप ने ज्ञान दिया. The father gave the knowledge to him. इनको. टू होम. ब्रह्मा को. टू ब्रह्मा. इनको माना ब्रह्मा. इनको मीन्स स्टूडेंट्स. ब्रह्मा. ब्रह्मा को बाप ने ज्ञान दिया. द फादर गिव द नॉलेज टू ब्रह्मा. कैसे दिया. हाउ डिड ही गिव इट. साक्षात्कार करके. इज इट बाय क्रिएटिंग विजन्स. इनको बाप ने ज्ञान दिया. द फादर गेव हिम द नॉलेज. तो भक्ति की गीता एकदम फेंक दी. सो ही इमीडिएटली थ्रू अवे द गीता ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन. किसने. हु. एवरीवन सेड ब्रह्मा. समझा. इनमें तो सब झूठ है. ही अंडरस्टूड एवरीथिंग इन देम इज लाइज. अभी इनको हम क्या करेंगे. व्हाट शुड आई डू विद देम नाउ. झूठे मनुष्य ने बैठे झूठी बातें लिख दी है. फॉल्स ह्यूमन बींग्स हैव रिटन फॉल्स थिंग्स. बेहद के बाप की प्रॉपर्टी से तुम बच्चे हो.
Only you children are the property of the unlimited Father. God Father hai na? He is God the Father, isn't he? So sabhi atma inki property hai. So all the souls are his property. Maya ne chichi bana diya hai. Maya has made them dirty. Abhi phir baap kulkul banane aaya hai. Now the Father has come again to make them into flowers. So baap kehte hai. So the Father says, Mere to tum hi ho. You alone are mine. Aur tum hi par hamara moh hai. And I am attached only to you. In par. To whom? A student. To you children. Kaun tum bachcho? Who are you children? Students, the ones who sit face to face. Sanmukh baithe jab log padhte hain. जो पूरे 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, यही इसी शरीर से बाप से वर्षा लेते हैं, उनके लिए कहते हैं. It is said for those who sit face to face and study, to the children who take full 84 births, and here itself, through this very body, take the inheritance from the father. चिट्ठी नहीं लिखते हो तो बाबा को होना आता है. यू डोंट राइट अ लेटर देन बाबा फील्स ही शुड से समथिंग. अच्छे अच्छे बच्चों को चिट्ठी नहीं आती है तो समझता हूँ. इफ नो लेटर कम्स फ्रॉम द गुड चिल्ड्रन आई अंडरस्टैंड कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया एकदम खत्म कर देती है. दैट माया कम्प्लीटली फिनिशेस ऑफ द गुड चिल्ड्रन एज वेल. जरूर देह अभिमान है. They certainly have body consciousness. जो बाप को पत्र भी नहीं लिखते. That they don't even write a letter to the father. बाबा कहते रहते हैं. बाबा keeps on saying. बच्चे अपने खुश खैरियत लिखते रहो. Child, keep writing about your happiness and well-being. बाबा ऐसी बात पूछते हैं जो दुनिया में कोई नहीं पूछते. बाबा asks about such things that no one in the world asks about. बाप पूछते हैं तुमको कहीं माया तो हैरान नहीं करती है. The father asks, does Maya confuse you by any chance? बादल बन करके माया पर जीत पहनो. Become brave and gain victory over Maya. क्योंकि तुम युद्ध के मैदान में हो. Because you are in the battlefield. कर्म इंद्रियों को ऐसा बस में करना चाहिए. You should control the organs of action in such a way जो कैसी भी माया परीक्षक रूप में आ जावे. That no matter which form of an examiner Maya comes in, तो भी तुमको चंचलता नहीं आवे. You should not become unstable. सतयुग में तो सभी कर्म इंद्रियां बस में रहती है. In the golden age, all the organs of action are under control. न मुख की, न कान की, न हाथ की कोई चंचलता की बातें होती है. There isn't any question of instability either of mouth or ears or hands. वहाँ तो कोई भी चीज गंदी नहीं होती. Nothing is dirty there. 18 जून 1967 की वाणी का तीसरा पेज. Third page of the Vani dated 18th June 1967. यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करते हो. Here you control the organs with the power of yoga. और वहाँ? And over there. योग बल से कर्म इंद्रियां शांत हो जाती हैं, चंचल हो जाती है. The organs of action become restless. They become unstable with the power of the sensual experience, that is, bhog bal. बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात पहले नहीं होती है. The father says, anything dirty does not come in action at first. पहले मनसा में आता है. First it comes to the mind. फिर बात वाचा में आती है, फिर कर्म इंद्रियों में आती है. Then the thought comes into speech. Later, it comes into the organs of action. Mansa mein to aavega. It will come to the mind anyway. 63 janmo ka hisab kitab hai. There is the account of 63 births. Shooting ki reel mein to aavega. It will definitely come in the reel of shooting. Parantu karmendriyon ko vash mein karna hai. But we have to control the organs of action. और अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है. एंड वी हैव टू मेक स्पेशल एफर्ट फॉर द सोल प्रॉपरली. क्योंकि अभी समय बहुत थोड़ा है.
इट इज बिकॉज देर इज वेरी लिटिल टाइम नाउ. जैन भी है बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही. देर इज इवन द सॉन्ग ऑफ प्रेज, अ लॉट हैज पास्ड, अ लिटिल हैज रिमेन्ड एंड अ लिटिल ऑफ इवन द लिटिल हैज रिमेन्ड. नैया बनती रहती है. द बोट कंटिन्यूज टू बी प्रिपेयर्ड. मकान बनता रहता है. द हाउस कंटिन्यूज टू बी प्रिपेयर्ड. तो ये बुद्धि में रखना है कि बाकी थोड़ा समय है. सो वी हैव टू कीप दिस इन द इंटेलेक्ट दैट लिटिल टाइम इज लेफ्ट. एक तुम्हारी नैया पार जावेगी. योर बोट विल गो अक्रॉस. नई सृष्टि रूपी मकान तैयार हो जाएगा. The new house in the form of the world will be ready. इस दुनिया में हद की बात. In this world, there are things in a limited way. और बाप सुनाते हैं बेहद की बात. And the father tells you unlimited things. ये भी तुम बच्चों को समझाया है. This also has been explained to you children. उन घमंडियों का है साइंस का बल. Those arrogant ones have the power of science. और तुम्हारा है साइलेंस का बल. And you have the power of silence. उनको घमंडी क्यों कहा? Why were they called arrogant ones? क्योंकि वो जो भी बल दिखाते हैं. It is because whatever power they show, वो सारा उनका बल प्रत्यक्ष हो जाता है. Their entire power is revealed. और तुम्हारे में जो भी बल इकट्ठा हो रहा है वो सब गुप्त इकट्ठा हो रहा है. एंड द एंटायर पावर दैट इज एक्यूमुलेटिंग इन यू, ऑल दैट इज एक्यूमुलेटिंग इन सीक्रेट. तुम्हारी है गुप्त तरकीब. योर्स इज अ सीक्रेट प्लान. वो घमंड में आकर के प्रत्यक्ष करते हैं. They become arrogant and they reveal their plans. तो आत्मा अभिमानी हो. You are soul conscious. आत्मा भी गुप्त है. तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त. The soul is incognito and so your special effort for the soul is incognito as well. है तो उनका भी बुद्धि का बल. Theirs is the power of the intellect indeed. और तुम्हारा भी बुद्धि का बल है. As well as yours is the power of the intellect. वो बुद्धि के बल से नई नई बातें इजाद करते हैं. They invent new things with the power of the intellect. और तुम भी बुद्धि के बल से बाप को याद करते हो. And you too remember the father with the power of the intellect. वो बुद्धि के बल से कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं. They keep on making so many inventions with the power of the intellect. अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब से निकालते रहते हैं. Now they keep on creating such bombs. कि कहते हैं हम वहाँ बैठे ही बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे. That they say we will release bombs just by sitting there. तो सारा का सारा शहर खत्म हो जाएगा. And the entire city will be finished off. फिर तो एरोप्लेन आदि कुछ भी काम में नहीं आएंगे. Then the airplane etc. nothing will be useful. तो वो है उनकी साइंस की बुद्धि. So that is their intellect of science. कैसी बुद्धि है? विनाशकारी या निर्माणकारी? What kind of an intellect is it? Is it destructive or constructive? विनाशकारी. Students, destructive. विनाशकारी बुद्धि. The intellect is destructive. और तुम्हारी है? And yours is? निर्माण बुद्धि. A constructive intellect. तुम्हारी साइलेंस की बुद्धि है. योर इंटेलेक्ट इज ऑफ साइलेंस. वो विनाश के लिए निमित्त बनते हैं. दे बिकम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द डिस्ट्रक्शन. और तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बनते हो. एंड यू बिकम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग द इम्पेरिशेबल पोजिशन. ये सब बातें समझने की बुद्धि चाहिए. टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स देयर इज द नीड फॉर एन इंटेलेक्ट. तुम कैसे ईश्वरीय औलाद हो. हाउ यू आर द गॉडली प्रोजेनी. और वो कैसे आसुरी औलाद है. एंड हाउ दे आर द डेविलिश प्रोजेनी. देखो बाप कितना सहज रास्ता बताते. सी द फादर शोज सच एन इजी पाथ. बल कितनी भी अहिल्याएं हो, कुब्जाएं हो. इट डजेंट मैटर हाउ मेनी अहिल्यास कुब्जास आर देर. सिर्फ दो अक्षर ही याद कराना है. वी हैव टू मेक देम रिमेम्बर ओनली टू वर्ड्स. क्या? वॉट? अहिल्या है मना. अहिल्या मीन्स
Ahi le a. Ahi le a. Bring ahi. Kya le a? Bring what? Saap ko pakad ke baap ki sabha mein le aayi. She caught a snake and brought it into the father's gathering. Janti hai ki ye vikari buddhi hai. She knows this one has a vicious intellect. Isme chanchalta bhari hui hai. He is filled with instability. Parantu woh lag jata hai. Attachment ho jata hai. But she becomes attached to him. To usse sarpa ka kalyan karne mein buddhi lag jati hai. So her intellect becomes involved in bringing benefit to that snake. Apna kalyan ho ya na ho. It does not matter whether she benefits or not. Ahilya buddhi ban jati. She becomes an Ahilya intellect. Saap lag jata hai. She is cursed. Patthar buddhi ban jati. May you become the one with a stone intellect. Aisi jo patthar buddhi banti hai. Those who become the ones with such a stone-like intellect. Unki patthar buddhi mein ishwariya gyan thehrta nahi. The godly knowledge doesn't remain in their stone-like intellect. Advanced knowledge? Baithti nahi. The advanced knowledge doesn't fit in it. Bala sari murli ke point ke hifz kar lenge. Although they learn by heart all the points of the murli. Lekin gyan ki gehrai ka point unki buddhi mein nahi baithta. The point of the depth of knowledge doesn't sit in their intellect. Aisi aisi jo ahilyaen banti hain. Such ones who become ahilyas aur kubjaen banti hain. And kubjas. Kubja mana? Kubja means jinki reedh ki haddi toot jaye. The one whose backbone breaks. Backbone baap dada? Baap dada, the backbone. Unki madad na kar paaye. Is unable to help them. Baap ka hi dil tod deti hai. If she breaks the heart of even the father, to baap unki madad kya karega? How will the father help her? Dil se utar jaate hain. They descend from the heart of the father. Phir bhi baap rehm dil hai. Anyway, the father has a merciful heart. To kehte hain ki bhal kitni bhi ahilyaen aur kitni bhi kubjaen ban jati hain. So he says, it does not matter how many become ahilyas and kubjas. Phir bhi agar wo do akshar pyar se yaad kare ba ba. Anyway, if they remember the two letters ba ba with love, to baap aur varsa prapt ho jata hai. They receive the father and the inheritance. Phir jitna jo yaad kare. Then as much as one remembers. Aur sang tod ek baap ko yaad karna. Breaking the connections with the others, you have to remember the one father. Baap kehte hain jab main apne ghar mein tha to tum bhakti marg mein kitna pukarte the. The father says, you used to call out so much in the path of bhakti when I was in my house. Aur abhi main aaya hua hu. To patra bhi nahi likhte. And now I have come, but you don't even write a letter. Bhakti marg mein kehte the baba aap aayenge to hum sab kuch qurban karenge. Hum baliyan jaayenge. You used to say in the path of bhakti, Baba, when you come, we will sacrifice everything. We will devote ourselves. Ye hua jaise ki karni ghor. He, that is Baba, is just like a karni ghor. Karni ghor brahman hote hai na. There are karni ghor brahmins, aren't there? Koi marta hai. When someone dies, to unka jo bhi purana saman hota hai wo sab karnighor le jaate. The karnighor brahmins take away all his old belongings. Ye baap bhi karnighor brahman ban kar ke aaya hua hai. This father also has come as a karnighor brahmin. Parantu baap lekar ke kya karenge. But what will the father do after taking them? Jeete ji marte nahi hai. They don't die alive. ये तो बेहद के मरने की बात है. This is about dying in an unlimited way.
जो जीते जी मरते हैं उनका पुराना का सपन बाप ले लेते हैं। द फादर टेक्स अवे द ओल्ड वॉइसेस ऑफ दोज हु डाई अलाइव। तुमको समझना चाहिए कि तुम इनको तो नहीं देते हो। यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू डोंट गिव इट टू देम। इनको टू होम? स्टूडेंट्स टू ब्रह्मा। ब्रह्मा को कहेंगे सिर्फ तुम इसको। इफ यू से इट जस्ट फॉर ब्रह्मा देन यू वुड से इसको दैट इज टू हिम। और इनको कहा तो? एंड वॉट डज इट मीन वेन इट वॉज सेड इनको दैट इज टू देम? राम कृष्ण दोनों की तरफ इशारा है। This is the hint towards both Ram and Krishna. चाहे वो कर रहता है, whether it is the appointed chariot, चाहे temporary जाते है, or the temporary chariot. तो तुम इनको तो नहीं देते हो। So you don't give it to them. इसने भी तो सब कुछ दे दिया ना? He too gave away everything, didn't he? किसने? Who? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा। ये थोड़े ही यहाँ बैठ करके महल आदि बनावेंगे। He will not sit here and make palaces etc. ये सब शिव बाबा के लिए है। This is all for शिव बाबा। बुद्धि में रहता है। This remains in the intellect. उनके ही डायरेक्शन से हम कर रहे हैं। We are acting only according to his directions. वो शिव बाबा करणहार भी है और करावनहार भी है। That शिव बाबा is करणहार, the one who performs actions himself, as well as Karavanhar, the one who has actions performed by others. किसके द्वारा करणहार? Through whom is he करणहार? ब्रह्मा द्वारा करके दिखाता है। Through Brahma, he demonstrates by performing the actions. बच्चे करें या न करें? Whether the children do it or not, खुद करके दिखाता है। He himself acts and shows. उसको कहते हैं करणहार। He is called करणहार। और फिर बाप करावनहार भी है। एंड देन द फादर इज करावनहार टू। वो तो करे या न करे, वेदर ही हिमसेल्फ डज इट और नॉट, लेकिन बच्चों से करा के छोड़ेगा। बट ही विल गेट इट डन थ्रू द चिल्ड्रन। बच्चे कहते हैं, द चिल्ड्रन से, बाबा हमारे लिए एक आप ही है। बाबा फॉर अस यू आर द ओनली वन। आपको तो इतने ढेर बच्चे हैं। यू हैव सो मेनी चिल्ड्रन। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो। बाबा देन सेज फॉर अस ओनली यू चिल्ड्रन आर देर। तुम्हारे लिए तो बहुत है। फॉर यू देर आर मेनी। कितने देह के संबंधों की जड़ें लगी हुई है। देर इज द शावर ऑफ सो मेनी बॉडीली रिलेशनशिप्स फॉर यू। कितने देह के संबंधी याद आते हैं। यू रिमेम्बर सो मेनी बॉडीली रिलेटिव्स। और मेरे को तो कोई देह का संबंधी है ही नहीं। एंड एज फॉर मी आई डोंट हैव एनी बॉडीली रिलेटिव्स एट ऑल। मिट्टी मिट्टी बच्चों को बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो और सबको भूलते जाओ। द फादर सेज टू द स्वीट चिल्ड्रन रिमेम्बर मी एज मच एज यू कैन एंड कीप फॉरगेटिंग एवरीवन। स्वर्ग की राजाई का माखन तुमको मिलता है। यू रिसीव द बटर ऑफ द किंगशिप ऑफ पैराडाइज। तो जरा ख्याल तो करो कैसे ये खेल की रचना है। सो जस्ट थिंक हाउ द क्रिएशन ऑफ दिस प्ले इज। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो। यू जस्ट रिमेम्बर द फादर। और सुदर्शन चक्रधारी बनने पर चक्रवर्ती राजा बनते हो। And on becoming the spinners of the discus of self-realization, you become an emperor. अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। Now, you children have become an experienced person in practical. इस बात के? Of what? स्वदर्शन चक्रधारी बनने के। Of becoming the spinners of the discus of self-realization. जितना जितना स्वदर्शन चक्र घुमाते जाते हो, the more you go on spinning the discus of self-realization, उतना स्वार्थत आत्मा के 84 जन्मों का दर्शन करते जाते हो, the more you go on visualizing the 84 births of the self, स्व that is the soul, आत्मा, मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, the human beings think that devotion has come along as a tradition. और विकार भी परंपरा से चले आए हैं। And vices too have come along with the tradition. समझते हैं कि रामकृष्ण भी विकारी थे, विकारों से बच्चे पैदा करते थे। They think that Ram and Krishna
were vicious as well. They used to give birth to the children through vices. अरे देवताओं को तो निर्विकारी कहा जाता है. अरे but the deities are called viceless. लक्ष्मी नारायण की महिमा कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हैं सगमर्यादा पुरुषोत्तम. They praise Lakshmi and Narayan. You are complete in all virtues, completely non-violent. Those who follow the highest code of conduct. देवताओं में विकार कहाँ से आए? How did the vices come in the deities? देवताओं में विकार होते तो उनकी पूजा क्यों करते हैं? If there are vices in the deities, why are they worshipped? वो समझते हैं राम सीता को भी बच्चे हैं. They think that Ram and Sita have children too. अरे हाँ बच्चे तो हैं. अरे yes, they do have children. परंतु वो श्रेष्ठ आचार्य औलाद. But they are the elevated progeny. कौन? Who? जो बच्चे होते हैं देवताओं के वो श्रेष्ठ आचार्य औलाद होते हैं. The children of the deities are elevated ones. और तुम तो भ्रष्टाचारी औलाद हो. And you are the corrupt progeny. उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी. They are called completely viceless. यहाँ पर तो सब है संपूर्ण विकारी. Here all are completely vicious. एक दो को गालियाँ देते रहते हैं. They keep on abusing each other. वहाँ थोड़े ही कोई किसी को गालियाँ देगा. Over there no one will abuse anyone. अभी तुम बच्चों को श्री श्री की मत मिलती है. Now you children receive the directions of the holiest one. तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं ना. He makes you elevated, doesn't he? अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे. If you don't accept the father's words, तो फिर बाप तुमको श्रेष्ठ थोड़े ही बनावेंगे. Then the father won't make you elevated. श्रेष्ठ किनको बनावेंगे? Whom will he make elevated? 84 जन्म लेने वाला पक्का देवता किनको बनावेंगे? Whom will he make a real deity who takes 84 births? जो बाप के फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे होंगे. They are those who will be the obedient and subservient children of the father. फरमान बरदार आज्ञाकारी बच्चे वो ही होंगे जिन्होंने बाप को पक्का पक्का पहचाना होगा. Only those who would have recognized the father firmly will be the obedient and subservient children. पहचाना नहीं होगा. If they haven't recognized, तो अब क्या करेंगे? They will disobey him. नाफरमानी करेंगे. They will oppose the orders. सपूत बच्चे जो होंगे वो तो फौरन मानेंगे. Those who are good, सपूत children, they will accept immediately. और जो कपूत होंगे वो आनाकानी करेंगे. And those who are bad children will turn a deaf ear. बाप को पूरी मदद नहीं देते हैं. If they don't give complete help to the father, तो अपने को ही घाटा डालते. They bring about their own loss. बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ. The father says, I come cycle after cycle. कितना पुरुषार्थ करवाता हूँ. I make you do so much special efforts for the soul. और कितना तुमको खुशी में ले आता हूँ. And I bring you to so much happiness. तुम फिर से बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो. You are taking the inheritance once again from the unlimited father. इस बात में कोई गफलत तो नहीं करनी चाहिए. You shouldn't make any mistake in this. परंतु माया गफलत करावेगी. But Maya will make you commit mistakes. परंतु बार बार माया के फंदे में नहीं फंसना चाहिए. However, you shouldn't become entangled in Maya's clutches again and again. माया से ही लड़ाई होती. The fight takes place with Maya alone. बहुत बड़े बड़े तूफान आवेंगे. Many great storms will come. उसमें भी काम विकार का बार जास्ती होता है. इन दिस एज वेल लस्ट अटैक्स मोर. माया रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ेगी. विद अ क्लेवर वन रुस्तम माया विल बिकम अ क्लेवर वन एंड फाइट. जैसे वैद्य दबा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वैद्य गिव मेडिसिंस. तो वैद्यों की टीम दवा लेने से बीमारी बाहर निकल पड़ती है. Then, due to taking the medicines given by the Ayurvedic doctors, the disease comes out. यहाँ भी बाप कहते हैं
Here too, the father says, ये मेरे बनेंगे. When you become mine, तो माया और ही वार करेगी. माया विल अटैक यू मोर. कहते हैं बेसिक नॉलेज में इतने तूफान नहीं आते थे. दे से सो मेनी स्टॉर्म्स डिंट यूज टू कम इन द बेसिक नॉलेज. एडवांस ज्ञान लेने पर इतने तूफान क्यों आते हैं? व्हाई डू सो मेनी स्टॉर्म्स कम आफ्टर टेकिंग द एडवांस नॉलेज? जरूरी ये ज्ञान झूठा है. सर्टेनली दिस नॉलेज इज फॉल्स. अरे ज्ञान झूठा नहीं है. अरे द नॉलेज इज नॉट फॉल्स. ये हिसाब है. दिस इज एन अकाउंट. जितना रुस्तम बनेंगे माया रुस्तम बन करके लड़ाई लड़ेगी. द क्लेवरर यू बिकम माया विल बिकम क्लेवर टू दैट एक्सटेंट एंड फाइट. तूफान आएंगे. द स्टॉर्म्स विल सर्टेनली कम. परंतु इसमें तो बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए. बट इन दिस द लाइन ऑफ द इंटेलेक्ट शुड बी क्लियर. हम पहले नंगे आए थे पवित्र थे फिर आधा कल्प से अपवित्र बने. एट फर्स्ट वी हैड कम नेकेड वी वर प्योर देन फॉर हाफ अ साइकिल वी हैव बिकम इम्प्योर. अभी हमको फिर वापस जाना है. नाउ वी हैव टू गो बैक वंस अगेन. बाप कहते मुझे याद करो. द फादर सेज रिमेम्बर मी. तो इस योग अग्नि से तुम्हारे भीतर विनाश हो जाएंगे. देन योर सिंफुल एक्शंस विल बी डिस्ट्रॉयड थ्रू दिस फायर ऑफ योगा. और जितना याद करेंगे इन एडिशन द मोर यू रिमेम्बर उतना ऊंच पद पाएंगे. द हायर द पोजिशन यू विल रिसीव. एक पुरुषार्थ याद का एक सब्जेक्ट. वन स्पेशल एफर्ट फॉर द सोल वन सब्जेक्ट ऑफ रिमेम्बरेंस. कितने फायदे. एंड देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ इट. एक तो जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे. Firstly, the sinful actions of many births will be reduced to ashes. और दूसरा जितने जास्ती पाप कर्म भस्म होंगे उतना ऊंच पद पावेंगे. Secondly, the more the sinful actions are reduced to ashes, the higher the position you will receive. याद करते करते तुम घर चले जाएंगे. While remembering, you will go home. अभी वो जिस्मानी यात्रा की बक बक बंद करो. Now stop babbling about those physical pilgrimages. जिस्मानी यात्राओं में बुद्धि नहीं जानी चाहिए. The intellect shouldn't go towards physical pilgrimages. जिस्मानी यात्रा में और रूहानी यात्रा में क्या फर्क है. What is the difference between the physical pilgrimages and the spiritual pilgrimages? जिस्मानी यात्रा में in the physical pilgrimage पुजारी पंडित जिस्म को भगाते रहते हैं. The priests and guides keep making the body run. और रूहानी यात्रा में and in the spiritual pilgrimage जिस्म को भगाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता. यू डोंट हैव टू मेक एनी अटेम्प्ट टू मेक द बॉडी रन. पैसे इकट्ठे करो चंदा इकट्ठा करो. लाइक कलेक्टिंग मनी कलेक्टिंग डोनेशंस. यहाँ पहाड़ पर चलो. गोइंग टू द माउंटेन्स. क्या करना पड़ता है. वॉट डू यू हैव टू डू. बुद्धि का परिवर्तन होता है. देर इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंटेलेक्ट. रूहानी यात्रा में इन द स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज बुद्धि ऐसी खींची चली जाती है. द इंटेलेक्ट इज पुल्ड इन सच अ वे कि तन मन धन सब उस ओर खींच जाता है. दैट द बॉडी द माइंड द वेल्थ एवरीथिंग इज पुल्ड टूवर्ड्स इट. कहने की दरकार ही नहीं पड़ती. देर इज नो नीड टू से एट ऑल कि तीर्थ यात्रा में चलो. कम फॉर अ पिलग्रिमेज. ये अंतर है रूहानी यात्रा में और जिस्मानी यात्रा में. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज एंड द फिजिकल पिलग्रिमेज. जिस्मानी यात्रा का आधार है शास्त्र. द बेसिस ऑफ द फिजिकल पिलग्रिमेजेस आर द स्क्रिप्चर्स. और रूहानी यात्रा का आधार है. एंड द बेसिस ऑफ द स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज इज बाप की याद और बाप की वाणी. द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर एंड द वर्ड्स वाणी ऑफ द फादर. तो बाप कहते हैं इन शास्त्रों की बक बक बंद करो. सो द फादर सेज स्टॉप बैबलिंग द टॉपिक्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स. बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए. अ कम्प्लीट इंट्रोवर्टेड नेचर इज रिक्वायर्ड. तुम कहते ही हो पतित पावन ज्ञान का सागर. यू इंडियट से The purifier of the sinful ones, the ocean of knowledge. Yeah. What? पतितों को पावन तो बनाता है. He does purify the impure ones. कैसे बनाता है. How does he purify them? है?
द्वापर युग से पतित बने, यू बिकेम इम्प्योर सिंस द कॉपर एज. पतित बनाने वालों ने पतित बनाया. दोज हु मेक अदर्स इम्प्योर मेड यू इम्प्योर. क्या किया? वॉट डिड दे डू? अरे ऊपर से धर्म पिताएं आते हैं. अरे द रिलीजियस फादर्स कम फ्रॉम अबाव. या कोई भी आत्माएं आती है. और व्हेन एनी सोल कम्स, तो जबर ये ऑक्यूपाई करती है. देन इट ऑक्यूपाइज एंटर्स द बॉडी फोर्सफुली. कमजोर में प्रवेश कर जाती है. दे एंटर इनटू द वीक वंस. दुनिया में जो भी धर्म स्थापन हुए हैं, ऑल द रिलीजन्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ल्ड, वो जिस्मानी धर्म है. आर बॉडीली रिलीजन्स, जिस्मानी ताकत के बल पर स्थापन हुए हैं. दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल पावर. और ये तो तुम्हारी रूहानी बात है. एंड दिस इज अबाउट योर स्पिरिचुअल पावर. पतित पावन ज्ञान का सागर है. द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस इज द ओशन ऑफ नॉलेज. ज्ञान सुना करके तुम्हारी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है. He attracts your intellect towards himself by narrating the knowledge. सुख का सागर है. He is the ocean of happiness. दुख देने की तो बात ही नहीं. There is no question of giving sorrow at all. वो मुसलमान होते हैं. There are the Muslims. जबरन धर्म परिवर्तन कर देते हैं. They make you change your religion forcefully. मानो तो मानो, नहीं मानो तो तलवार के घाट उतार देते हैं. If you accept, then it's okay. And if you don't accept, they kill you with their sword. यहाँ तो बाप तुमको ज्ञान तलवार देते हैं. Here the father gives you the sword of knowledge. रूहानियत की तलवार है. This is the sword of spirituality. ज्ञान के पॉइंट सुनाते जाओ. Go on narrating the points of knowledge. कोई के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है कि तुम ज्ञान में चलो. We mustn't force anyone saying follow the knowledge. तुम इस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? Why don't you follow this path of knowledge? अक्सर करके देखा जाता है माताएं बहुत जोर देती है. Often it is seen that the mothers put a lot of pressure. हमारे ज्ञान में चलो. Follow the knowledge that I follow. ये जोर देने की बात नहीं है. This is not a question of putting pressure. रूहानी प्यार दिखाना है. We have to show the spiritual love. ज्ञान की भू भू करते रहना है. We have to keep buzzing the knowledge. ज्ञान को भी बल कहा जाता है. The knowledge too is called power. ज्ञान की बात है, ऐसा कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगा. One such point in the subject of knowledge will fit into the intellect. ये आत्मा उछल पड़ेगी. That the soul will jump up. तो बाप भी ज्ञान का सागर है. So the father is the ocean of knowledge as well. अज्ञान के सागर होते हैं गुरु लोग. The gurus are the ocean of ignorance. जबरन धर्म परिवर्तन करना सिखाते हैं. They teach to make people change their religion by force. बाप तो शांति का सागर है, सुख का सागर है. The father is the ocean of peace, the ocean of happiness. दुख देने लेने की बात ही नहीं. There is no question of giving and taking sorrow at all. बाप कहते हैं जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुम सबको सब कुछ देता हूँ. The father says, I give everything, whatever I have, to all of you. अपने पास कुछ भी नहीं रखता. I don't keep anything with me. सिर्फ एक बात है. There is only one thing. दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ. I don't give the key of divine visions. क्या? What? सब कुछ तुमको ज्ञान दर्शन सारे ही तुमको सौंप देता हूँ. I hand over everything, all the jewels of knowledge to you. बुद्धि विलास की कोई चीज अपने पास नहीं रखता. I don't keep with me anything related to the intellectual pleasures. सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता हूँ. I only keep the key of divine vision, Divya Drishti, with me. उसके बदले, instead of that, मैं तुमको विश्व का मालिक बना देता हूँ. I make you the master of the world. ऐसे तो साक्षात्कार में कुछ है नहीं. Anyhow, there is nothing in visions. क्या बात है? What is this?
साक्षात्कार में कुछ है भी नहीं. देयर इजंट एनीथिंग इन विजन्स. दिव्य दृष्टि से ही साक्षात्कार होता है. विजन्स टेक प्लेस ओनली थ्रू डिवाइन दृष्टि. फिर बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी क्यों नहीं देते? देन व्हाई डजंट बाबा गिव द की ऑफ डिवाइन दृष्टि? ज्ञान सारा ही दे देते. ही गिव्स द एंटायर नॉलेज. जो ज्ञान बाप में है वो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में उड़ेल देते. द फादर पोर्स इन टू द चिल्ड्रंस इंटेलेक्ट द एंटायर नॉलेज दैट इज इन हिम. दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते. ही डजंट गिव द की ऑफ डिवाइन दृष्टि. क्यों? व्हाई? से सरसठ की वाणी का रात्रि क्लास. द नाइट क्लास ऑफ द वाणी डेटेड 26/1967. रुवानी बाप और जितने बच्चे होते हैं उतने बच्चे और कोई को हो नहीं सकते. नो वन कैन हैव एज मेनी चिल्ड्रन एज द स्पिरिचुअल फादर हैज. ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो कहेंगे कि सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं. देयर वोंट बी सच अ फादर हु विल से ऑल द सोल्स आर माय चिल्ड्रन. हम सब ब्रदर्स हैं. ऑल ऑफ अस आर ब्रदर्स. अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम भाई भाई भी हैं. नाउ यू चिल्ड्रन नो that we are brothers as well. और प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद होने से भाई बहन भी है. And by being the progeny of प्रजापिता ब्रह्मा we are brothers and sisters as well. भाई बहन कब है? When are we brothers and sisters? जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है. When we are the progeny of प्रजापिता ब्रह्मा. और भाई भाई कब है? And when are we brothers? जब आत्म की स्थिति वाले हैं. तो आत्मा आत्मा भाई भाई है. When we are the ones in soul conscious stage, then we are souls as brothers. उनकी यादगार क्या है? What's the reminder of them? आत्मा आत्मा याद आत्मा आत्मा भाई भाई की यादगार क्या है? What is the reminder of the souls as the brothers? और भाई बहन की यादगार क्या है? And what is the reminder of the brother sister relationship? विजयमाला है भाई बहन. विजयमाला that is the rosary of victory is the reminder of brother sister relationship. Aur rudramala hai bhai bhai ki yadgar. And rudramala is the reminder of the brother to brother relationship. So hum bhai bhai bhi hai bhai behan bhi hai. So we are brothers as well as brothers and sisters. Abhi bhai behno ko varsha milna chahiye baap se. Now brothers and sisters should receive the inheritance from the father. Aur kis baap se varsha milega? And from which father will we receive the inheritance? Agar Prajapita Brahma ko kahe, if it is said that we receive the inheritance from Prajapita Brahma, tab to bhai behan ke hisab se sirf bhaiyon ko hi varsha milta hai. Then on the account of the brother sister relationship only brothers receive the inheritance. Kya bhakti marg mein tresar janma varsha mels ko milta raha? What? For 63 births, did the males keep receiving the inheritance in the path of bhakti? Yeah, female ko bhi mila. Or did the females receive it as well? Eh? Hmm? Males ko varsha milta raha. The males kept receiving the inheritance. Ye to aakhri janam mein abhi baap aaye hain. It is now in the last birth that the father has come. To government ne bhi kanun banaye diya hai. So the government too has established the law. Ki females ko bhi varsha milna chahiye. That the female should receive the inheritance as well. रुहानी बाप के आने का कितना प्रभाव हो जाता है? The arrival of the spiritual father has such an effect. अगर शिव बाबा कहें तो भी आत्माएं बच्ची ठहरे. If it is said that we receive the inheritance from शिव बाबा, even so the souls turn out to be his children. सबको वर्षा मिल जाता. ऑल वुड हैव रिसीव्ड द इनहेरिटेंस. प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते हैं तो बहन को वर्षा मिल जाता. ऐसे नहीं कहें. इट विल नॉट बी सेड दैट सिंस प्रजापिता ब्रह्मा चिल्ड्रन बिकम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द सिस्टर्स रिसीव द इनहेरिटेंस. प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो बहनों को वर्षा नहीं मिलता.
If we are the children of Prajapita Brahma, then the sisters don't receive the inheritance. Now, you are not going to receive the inheritance from Prajapita Brahma. Yeah. What? Abhi. Now. Abhi, tumko Prajapita Brahma se vasa nahi hai. Now, you don't have the inheritance from Prajapita Brahma. Abhi nahi hai. Now you don't have it. Phir hoga kabhi ki nahi. Then will you have it sometimes later or not? Varsha milta hai Shiv Baba se. The inheritance is received through Shiv Baba. Avinashi gyan ratno ka varsha gyan sagar Shiv Baba hi to dete hai. Only Shiv Baba, the ocean of knowledge, gives the inheritance of the imperishable jewels of knowledge. Prajapita deta hai kya? Does Prajapita give them? Prajapita ho ya Brahma ho? Whether it is Prajapita or Brahma, they themselves become foolish, Buddhu, in their last birth. Brahma varsa nahi dete hai. Brahma doesn't give the inheritance. Sabhi ko behad ke baap se varsa milta hai. Everyone receives the inheritance from the unlimited father. Wohi gyan ka sagar hai. He alone is the ocean of knowledge. ब्रह्मा कोई ज्ञान का सागर नहीं है. ब्रह्मा इज नॉट द ओशन ऑफ नॉलेज. बार बार ब्रह्मा को क्यों बोलते? व्हाई डज ही से इट फॉर ब्रह्मा अगेन एंड अगेन? प्रजापिता को क्यों नहीं बोला? व्हाई डिडंट ही से इट फॉर प्रजापिता? ब्रह्मा वर्षा नहीं देते हैं. ब्रह्मा डजंट गिव द इनहेरिटेंस. ब्रह्मा ज्ञान का सागर नहीं है. ब्रह्मा इज नॉट द ओशन ऑफ नॉलेज. ये भी पॉइंट बच्चों को सुनानी थी. दिस पॉइंट वॉज टू बी टोल्ड टू द चिल्ड्रन एज वेल. ये पूज्य शिव बाबा की पूजा होती है. दैट द वर्शिप वर्दी शिव बाबा इज वर्शिप्ड. ब्रह्मा की पूजा नहीं होती. देर इजंट द वर्शिप ऑफ ब्रह्मा. पूजा शरीर की होगी या बिंदी की होगी? विल देर बी द वर्शिप ऑफ द बॉडी और विल इट बी ऑफ द पॉइंट? स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑफ द बॉडी. शिव बाबा की पूजा कैसे होती है? हाउ डज द वर्शिप ऑफ शिव बाबा टेक प्लेस? ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है तो पूजा होती है. डज द वर्शिप टेक प्लेस व्हेन ही एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ ब्रह्मा? पूजा नहीं होती. द वर्शिप डजंट टेक प्लेस. फिर? देन कार्य को संपन्न करके जाता है. अ स्टूडेंट सेड द वन हु कम्प्लीट्स द टास्क. तो वो शरीर कौन सा निमित्त बनता है? So, which body becomes the instrument? A student of Prajapita. Prajapita nimitta banta hai. Prajapita becomes the instrument. Isliye bola Brahma ke photo nahi rakho. For this reason, it was said, don't keep Brahma's photo. Kya? Brahma ka photo rakhenge to patit ban padenge. If we keep Brahma's photo, we will become degraded. Pooja Shiv Baba ki pooja hoti hai. There is the worship of the worship worthy Shiv Baba. Aur tum bacche to ho hi shaligram. And you children are indeed the shaligrams, that is small round pebbles that are worshipped in the path of devotion. Shaligramon ki bhi pooja hoti hai. There is the worship of the shaligrams too. Kab? When? Shaligram ki pooja tab hoti hai जब उनका छिलका देहभान का उतर जाता है. द शालीग्राम्स आर वर्शिप्ड व्हेन देयर पील ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस इज रिमूव्ड ऑफ. टीका लगाते हैं. व्हेन दे अप्लाई द टीका तो मस्तक पर छिलके उतारे हुए चावल लगाए देते. दे अप्लाई पील्ड ऑफ राइस ऑन द फोरहेड. तो तुम देखो देवता बनते हो, आत्मा प्योर बन जाती है. सो सी, you become deities, the soul becomes pure. तो पवित्र आत्मा पूजी जाती. So the pure soul is worshipped. और साथ साथ तुम इस पढ़ाई से देवता बनते हो. And along with that, you become deities through this study. काहे के साथ साथ? Along with what? आत्मा बनने के साथ साथ. Along with becoming a soul. तो देवता रूप में भी पूजे जाते हो. सो यू आर वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ डेटीज. और शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो. एज वेल एज यू आर वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ शालिग्राम्स.
मेरी तो एक ही रूप में पूजा होती है। आई एम वर्शिप्ड ओनली इन वन फॉर्म, लिंग रूप में, निराकार रूप में, इन द फॉर्म ऑफ द लिंग, इन द इनकॉर्पोरियल फॉर्म। और तुम्हारी तो डबल पूजा है। एंड योर्स इज डबल वर्शिप। शालिग्राम रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। यू आर वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ शालिग्राम्स। और साकार रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। एज वेल एज यू आर वर्शिप्ड इन द कॉर्पोरियल फॉर्म। शिव बाबा तो एक ही पूज्य। शिव बाबा इज वर्शिप वर्दी इन जस्ट वन फॉर्म। वो देवता नहीं बनते हैं। ही डजंट बिकम अ डेटी। तुम देवता बनते हो। यू बिकम डेटीज। तो शिव बाबा को फायदा है या तुमको फायदा? So, does Shiv Baba benefit or do you benefit? Students are saying, we benefit. तुमको फायदा? Do you benefit? हम देवता बनते हैं, फिर असुर कौन बनता है? We become deities and then later who become devils? A student said, we ourselves. तो फायदा घाटे में बदल जाता है? So the benefit changes into the loss. Shiv Baba? ना घाटे में जाता है ना फायदे में जाता है। शिव बाबा नीदर बेयर्स द लॉस नॉर डज ही एंजॉय द बेनिफिट। वो देवता नहीं बनते हैं। ही डजंट बिकम अ डेटी। सिर्फ एक ही पूजा होती है। ही इज वर्शिप्ड ओनली इन द सिंगल फॉर्म। तुम दो बार पूज्य बनते हो। यू बिकम वर्शिप वर्दी ट्वाइस। एक आत्मिक रूप में पूज्य बनते हो, शालिग्राम में पूजा रूप, शालिग्राम रूप में पूजा होती है। First, you become worship worthy in the spiritual form. You are worshipped in the form of Shaligram. और दूसरे? And second, साकार शरीरधारी देवता बनते हो, पवित्र इंद्रियों वाले। You become corporeal, bodily deities with pure organs. तो भी तुम्हारी पूजा होती है? Your worship takes place then as well. तो देखो इस बात में भी तुम्हारा पद जास्ती है। So see, your position is higher in this subject as well. ये पॉइंट्स बच्चों को ही सुनानी होती है। दीज पॉइंट्स हैव टू बी नरेटेड ओनली टू द चिल्ड्रन। दूसरे धर्म वाली आत्माओं की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं। दीज पॉइंट्स विल नॉट सिट इन द इंटेलेक्ट ऑफ द सोल्स फ्रॉम द अदर रिलीजियंस। तो इस जन्म में पवित्र बनते ही नहीं है। इट इज बिकॉज दे डोंट बिकम प्योर इन दिस बर्थ एट ऑल। और नए तो कोई बहुत मुश्किल से समझेंगे। एंड सम न्यू वंस विल हार्डली अंडरस्टैंड इट। तो नयों को तो पहले पहले बाप की महिमा और भारत की महिमा सुनानी चाहिए। सो फर्स्टली यू शुड नरेट द ग्लोरी ऑफ द फादर एंड भारत टू द न्यू वंस। किसकी? हूज प्रेज? बाप की महिमा है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कौन है और भारत कौन है? द ग्लोरी ऑफ द फादर, हु इज द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स एंड हु इज भारत? रामायण की सारी कहानी भारत पर है। द एंटायर स्टोरी ऑफ द रामायण इज बेस्ड ऑन भारत। सिर्फ समझाने का खेल चाहिए। ओनली द इंटेलिजेंस टू एक्सप्लेन इज रिक्वायर्ड। सारी कहानी भारत पर है या राम पर है? सो इज द एंटायर स्टोरी बेस्ड ऑन भारत और ऑन राम? रामायण की सारी कहानी किस पर है? राम पर। ऑन हुम इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द रामायण बेस्ड? स्टूडेंट्स ऑन राम। नाम ही है रामायण। द वेरी नेम इज रामायण। आयन माने घर। आयन मीन्स हाउस। रामायण माने राम का घर। रामायण मीन्स राम्स हाउस। घर में कौन वास करता है? हु लिव्स एट होम? घर में जो मालिक होता है वो मालिक वास करता है, उसका परिवार वास करता है। द वन हु इज द मास्टर ऑफ द होम लिव्स एट होम, हिज फैमिली रिसाइड्स इन इट। तो रामायण में सारी महिमा भारत की है। सो देयर इज एंटायर प्रेज ऑफ भारत इन द रामायण। इसका मतलब जो राम है वो ही भारत है। दिस मीन्स दैट द वन हु इज राम इज भारत हिमसेल्फ। तो तुमको भारत की महिमा करनी चाहिए और बाप की महिमा करनी। सो यू शुड प्रेज भारत एंड यू शुड प्रेज द